हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज का फुल फेस मेकअप मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करके करने वाली हूँ, बिकॉज दे आर गेटिंग रियली पॉपुलर दीज डेज, क्योंकि सस्ते भी है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और मैंने पहले भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, और आप लोगों के कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि इनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने के लिए। तो इनका पूरा मेकअप किट है मेरे पास, जहाँ पर ये इस ट्रांसपेरेंट बैग में आता है। ये टोट बैग है बहुत ही अच्छा सा, इसमें ये रोज़ गोल्ड कलर का पाउच भी मिलता है, और जहाँ पर ये 12-13 प्रोडक्ट्स है आपका पूरा मेकअप करने के लिए, बेस के लिए सब कुछ है। प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, आई मेकअप के लिए आई शेडो, मस्कारा, आई लाइनर, फिर लिप प्रोडक्ट्स भी है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पूरा मेकअप आज मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके करूँगी, और साथ के साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी कि ये प्रोडक्ट्स मुझे कैसे लग रहे हैं। तो इस मेकअप किट में से सबसे पहले मैंने ये 3-in-1 प्राइमर यूज़ करा, एंड दिस इज़ अ सिलिकन बेस्ड प्राइमर। तो मेरी ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इससे ऑयल कंट्रोल होगा, शाइन कंट्रोल होगा, एंड देन आपके पोर्स भी ब्लर हो जाएंगे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि इंट्रो में मेरा फेस कैसा लग रहा था, इतना ज़्यादा ऑयल था फेस पे, और स्किन अब मैटिफाई हो गई है, सॉफ्ट भी लग रही है। तो डेफिनेटली प्राइमर मुझे काफ़ी पसंद आया, ये बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने ये कलर करेक्टर पैलेट यूज़ करा, इसमें से ये ऑरेंज शेड मैंने लिया, और जहाँ पर भी मेरी पिगमेंटेशन थी, जैसे जो डार्क सर्कल्स हैं और लिप्स के अराउंड जो पिगमेंटेशन थी, उसको मैंने करेक्ट कर लिया, और ये मुझे ओके लगा। मतलब इट्स गुड फॉर द प्राइस यू आर पेइंग, इट्स गुड। इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग इन बजट, आपको करेक्टर लेना है, बिकॉज करेक्टर के बिना आप अपना बेस करोगे ना तो वो ग्रे हो जाएगा। सो यू नीड टू अप्लाई अ कलर करेक्टर, एंड दिस किट हैज़ अ करेक्टर, सो यू कैन गो फॉर इट। फिर मैंने ये फाउंडेशन यूज़ करा है, इसके अंडरटोन्स वार्म है, और ये मेरी स्किन टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा वार्म हो गया था, डार्क हो गया था फाउंडेशन। अदरवाइज़ द क्वालिटी इज़ रियली गुड, इट्स अ ड्यूई फाउंडेशन एंड इट सेज दैट इट हैज़ अ हाई कवरेज। इतनी हाई कवरेज तो नहीं है, बट आई थिंक डेली वेयर के लिए अच्छा है, फॉर बिगिनर्स इट इज़ गुड, एंड इट इज़ वेरी ब्लेंडेबल। स्किन बहुत ज़्यादा इससे सॉफ्ट और हाइड्रेटेड लग रही थी, और जो मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा है ये भी इस किट में ही था, ये मुझे अच्छा लगा, इससे मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। तो फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा, शेड का थोड़ा सा ऐसे मिसमैच हो गया, बट क्वालिटी वाइज इट इज़ गुड। फिर मैंने सोचा था कि मैं जो करेक्टर पैलेट में से जो शेड यूज़ करूँगी लाइट वाला, उसको मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, बट लास्ट में आप देखोगे ना फुल फेस में तो ये बैलेंस हो गया था द वे आई हैव सेट माई फेस। तो मैंने ये लाइट कंसीलर, जहाँ पे भी हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैंने पहले थोड़ा सा ही लगा कर देखा कि ये कैसे ब्लेंड हो रहा है और कैसा लग रहा है फेस पे, तो मुझे ये ठीक लग रहा था। एंड इसको जहाँ पर भी हम हाईलाइट करते हैं वहाँ पर मैंने इस कंसीलर को अप्लाई कर लिया, ब्रिज ऑफ माई नोज, अंडर माई आईज़ एंड अराउंड माई लिप्स, और जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करेंगे ठीक उसके नीचे। और वैसे जैसे जो शेड आया है ना मेरे पास फाउंडेशन का जो मैंने लगाया है, उसके साथ मुझे इतनी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी अगर मैंने ऐसे लाइट कंसीलर लगा लिया है, बट स्टिल आई यूज इट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने ये जो शेड यूज़ करा है ना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वार्म, थोड़ा सा और ब्राउन होता तो ठीक लगता, बट ये मेरे फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन भी काफ़ी वार्म हो गया था तो थोड़ा ये ऑरेंज सा लग रहा था फेस पर, पर फिर भी मुझे फुल फेस करना था तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया और ब्लेंड कर लिया। अगर मैं नहीं भी लगाती तो भी ठीक लगता वैसे ये। फिर इसमें ये मेकअप फिक्सर भी था, इसको मैंने स्प्रे कर लिया है अपने बेस पर और एयर ड्राई होने दिया है, और सूखने के बाद मैंने ये लूज़ पाउडर यूज़ करा है जो इसमें ही था, और ये लूज़ पाउडर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इनका बनाना पाउडर भी यूज़ करा है इनसाइड का, वो भी काफ़ी मुझे पसंद है। तो जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई करा था वहाँ पर मैंने इसे लगा लिया है, और कुछ सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 30-40 सेकेंड्स, इसको मैंने सेम इसमें ये जो एप्लीकेटर था पफ है, इससे मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये पाउडर ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा डिफरेंस आया है, जो फेस इतना ज़्यादा वार्म लग रहा था तो पाउडर के बाद ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इसे बैलेंस कर ही लेती हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना। सो या इट वाज लुकिंग फाइन देन। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपनी नेक पे भी पाउडर लगा लिया है, और फिर मैंने यूज़ करा है ये आईब्राउ पेंसिल। तो इसके ना एक स्पूली भी दे रखी है, उसे मैंने ब्रश कर लिया है, और डार्क ब्राउन शेड है ये, और जो मेरी शेप थी मैंने शेप के हिसाब से ही अपनी ब्राउज़ को लाइन कर लिया है, फिल कर लिया है, और आईब्राउ पेंसिल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई।
फिर मैंने ये आई शेडो पैलेट यूज़ करा है, इसमें 9 शेड्स है और सभी ना मेटालिक शिमरी शेड्स है, तो मैंने इसी से अपना आई मेकअप करा। बट अगर इसमें 3-4 शेड्स थोड़े से मैट ब्राउन ऑरेंज ये सब होते ना तो और भी अच्छा हो जाता ये पैलेट। बट शिमरी शेड भी ठीक है अगर आपको ऐसे ही फिंगर से लगाना है, बिकॉज़ बिगिनर्स क्या करते हैं, हम लोग भी, मैंने भी पहले ही काफ़ी करा हुआ है, फिंगर से ही ऐसे लेके पूरा अप्लाई कर लेते हैं। पर यहाँ पर मैंने ऐसे 2-3 शेड्स यूज़ करके मैंने अपने आउटर पे भी, ट्रांजिशन पे भी शिमरी शेड ही लगाया है ये, और अपने इनर साइड पे भी, लिट पे भी, वहाँ पे ये शेड यूज़ करा है मेटालिक शेड ही, और उसको ब्लेंड कर लिया है। फिर मैंने यूज़ करा है ये स्केच आईलाइनर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज़ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्केच आईलाइनर्स। अच्छे से प्रिसाइसली आईलाइनर लग जाए और ज़्यादा ना पतली भी नहीं हो टिप, क्योंकि पतली होती है ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, यू हैव टू स्ट्रेच योर आईज। एक जो एक प्रॉपर टिप होती है ना, तो मुझे इसकी टिप काफ़ी पसंद आई। अगर आपको स्केच आईलाइनर भी ट्राई करना है वैसे, सो यू कैन ट्राई दिस वन। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मस्कारा एंड लुक एट दी पैकेजिंग, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और इसके 5-6 कोट्स मैंने अपनी अपर लैशेस पे लगाए हैं, और ये वाटर प्रूफ नहीं है तो ठीक है, रिमूव करने में ना आसानी हो जाती है, क्योंकि वाटर प्रूफ मस्कारा इतना ज़्यादा उसको हटाने में दिक्कत हो जाती है ना, तो ये मैंने अच्छे से लगा लिया है अपनी अपर लैशेस पे। एंड देन आई एम यूजिंग दिस क्रीमी ब्लश, बहुत ही सटल सा, लाइट सा, तभी ना मैं आपको बोल रही हूँ बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये किट। अगर आपको कुछ है ना सॉफ्ट कलर्स के लिए जाना है, लाइट में जाना है, ज़्यादा हैवी में नहीं जाना है, सो इट इज़ रियली गुड। और फिर इसको मैंने अपनी चीक्स पर अप्लाई कर लिया और ब्लेंड कर लिया है सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसके बाद मैं ये हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और इस पैलेट में 4 शेड्स हैं, तो मैंने ये रोज़ गोल्ड शेड यूज़ करा है, और इसको मैंने अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा लिया है। तो हाइलाइटर भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, सो इट्स रियली गुड। इसके बाद मैंने ये लिप लाइनर यूज़ करा है, इसका शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा न्यूड पीच कलर होता है तो वैसा शेड है, बिना लिपस्टिक के भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद मैंने ये लिपस्टिक यूज़ करी है, मुझे थोड़ी सी डार्क लग रही थी तो मैंने हल्के हाथों से ही इसे ऐसे टैप टैप करके इसके ऊपर लगा लिया है, क्योंकि मुझे इतने डार्क लिप्स नहीं चाहिए थे। और यहाँ पे हो गया है मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। और मैंने ना थोड़ा सा पाउडर और अप्लाई करा था जहाँ पर भी मैंने कंसीलर यूज़ करा है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे थोड़ा बैलेंस करना था फेस एंड नेक को, तो इसलिए मैंने पाउडर यूज़ करा था। एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग परफेक्ट, बहुत अच्छे से हो गया है मेरा मेकअप। तो ओवरऑल मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स पसंद आए, और मुझे अपना मेकअप भी अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो भी थे इस मेकअप किट में वो मुझे पसंद ही आए, और आप लोग भी इस मेकअप किट को ट्राई कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, आपको अफोर्डेबल में कोई मेकअप किट बनानी है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक मेकअप किट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो वो लोग इस मेकअप किट को तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, जिन लोगों को ऐसे भी ट्राई करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, आप लोगों को ये पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और मेरे सोशल मीडिया के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं जाती हूँ, ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय।